हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ पेंशनर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थंबनेल में जो है 50,000 पर मंथ का जो वैकेंसी की बात की गई है, मैं आपको इसका ऑफिस ऑर्डर दिखाऊंगा जिसमें कि आप किस तरीके से जो है ये बेनिफिट ले सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में मैं इस ऑफिस ऑर्डर में आपको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ऑफिस ऑर्डर भी दिखाऊंगा जिससे एग्जैक्टली आपको पता चल सके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफिल करने के लिए। ये सभी पेंशनर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, डायरेक्टली देखते हैं क्या ये ऑफिस ऑर्डर है और इस ऑफिस ऑर्डर में क्या क्या एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, ये है वैकेंसी सर्कुलर जो कि अभी लेटेस्ट जो है 18 दिसंबर का है और आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज कंसल्टेंट, जो लोग रिटायर्ड हैं पेंशनर्स हैं, एज कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन DPIIT, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड के लिए जो वैकेंसी है और इसमें बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट का इसमें 15 पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द कंसल्टेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जामिन केसेस, प्रपोजल्स, पॉलिसी इश्यूज इन द लाइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको जो है एग्जामिन किया जाएगा। जो कंसोलिडेट रिमुनरेशन है वो 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा 40,000 पर मंथ शैल बी पेएबल टू कंसल्टेंट हु हैव रिटायर्ड एट द लेवल ऑफ SO, और जो US और उसके अबव रैंक है उनको 50,000, SO रैंक को 40,000, और कंसोलिडेट रिमुनरेशन शैल बी पेएबल सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो बेसिकली हर मंथ का जो भी रिमुनरेशन होगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द वर्क दैट यू कंप्लीट, और उसका जो है ऑडिट किया जाएगा। दे शुड नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 63 ईयर्स। दोस्तों आप देख सकते हैं जिन्होंने अप्लाई करना है मैक्सिमम एज जो है 63 ईयर्स होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स वही 9 to 5:30 PM और दे विल बी गवर्न बाई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे विल नॉट यूटिलाइज और पब्लिश और डिस्क्लोज और पार्ट विथ द थर्ड पार्टी। नॉर्मल जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बताया गया है, बट मेन चीज़ ये है कि 63 ईयर्स की एज नहीं होनी चाहिए। प्लस जैसा कि हमने डिस्कस किया, सैलरी वाइज पर मंथ 50,000, देन उससे नीचे लोअर पे जो है 40,000 मिलेगा और इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वर्क दैट यू कंप्लीट एंड दैट वर्क विल बी ऑडिटेड एंड बेस्ड अपॉन दैट पर मंथ योर सैलरी विल बी रिलीज्ड। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पेंशनर्स और एक्स सर्विस मैन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।